नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नरिया और आज का हमारा टॉपिक है, क्या सोशल मीडिया सच्चाई से ज़्यादा भ्रमित करता है। सोशल मीडिया दुनिया भर में आजकल संपर्क साधे रखने का सबसे अच्छा माध्यम बनता जा रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म घर पर बैठे बैठे कंटेंट वायरल करना बहुत ही आसान होता है। घर में बैठे हुए, बिस्तर पर पड़े हुए बहुत जल्द अपनी राय बना लेते हैं, जो कि बहुत आसान भी होता है। कहीं से किसी भी प्रकार का कंटेंट अगर आता है तो उसे बिना सोचे शेयर करना हमारी प्राथमिकता बन गई है। बिना तथ्य को जाने और पूर्ण जानकारी के हम ना केवल इन पोस्ट पर विश्वास करते हैं बल्कि इन्हें आगे तक भी शेयर करते हैं। हम यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि जिस पोस्ट को हमारे द्वारा शेयर किया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है और वो कहाँ से आई है, उसकी सत्यता पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। देश का मीडिया भी सच्चाई दिखाने से ज़्यादा उन खबरों को तरजीह देता है जो उसकी TRP में इजाफा करें। हम दिनों दिन इस सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर आपको उस खबर या पोस्ट के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो इस तरह की पोस्ट से दूर ही रहें, क्योंकि हमारे द्वारा शेयर की गई गलत जानकारी कई मासूमों और बेगुनाहों पर अत्याचार का कारण बनती है। भविष्य में हो सकता है आप या आपका कोई जान पहचान वाला या आपके परिवार में से कोई इन अफवाहों का शिकार बन सकता है। यह झूठी खबरें, झूठी पोस्ट समाज को दिशाहीन कर उस दिशा में ले जाती हैं जहाँ से हमारा समाज भ्रमित होता है, और एक भ्रमित समाज नागरिकों के मन में डर उत्पन्न करता है, और एक डरा हुआ नागरिक कमजोर लोकतंत्र का निर्माण करता है। हम अपने आसपास सोशल मीडिया और भ्रम की दीवार को इतना फलने फूलने दे रहे हैं कि हकीकत से कोसों दूर होते जा रहे हैं। Drupal.com सिर्फ इतना कहना चाहता है कि बेशक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन किसी भी पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसके तथ्य की सत्यता को अवश्य जांच लें, उसके बाद ही उसे शेयर करें। सोशल मीडिया में हम इतना डूब चुके हैं कि हम अपनी मानसिक आज़ादी तक को खो बैठे हैं। हम हमारे नज़रे से ज़्यादा 5 से 6 इंच के उस मोबाइल पर इतना विश्वास करने लगे हैं। अगर थोड़ा समय हम कंप्यूटर और मोबाइल से हटकर खुद को जानने में दें तो उस समाज को धरातल पर लाया जा सकता है जिस समाज की कल्पना हमारे द्वारा की जाती है। अगर हम थोड़ा घर से निकलें, बाहर जाएं और लोगों से मिलें, बात करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर शायद हम थोड़ा सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं। यह खबर केवल हमारा नज़रिया है, इस पर विश्वास करना या नहीं करना आपकी बुद्धि की सामर्थ्यता पर निर्भर करता है।